भविष्य के साथ साथ हमें अपने देश का लोकतंत्र भी बचाना है, उसका भी चुनाव है, और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा इसका भी चुनाव है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सरकार ऐसी है जिसने किसी की परवाह नहीं की। हमने और आपने जलियांवाले बाग की कहानी कितनी सुनी है, कितनी बार हम और आप लोग देखते हैं, समझते हैं बात को। अगर आजाद भारत में जलियांवाले जैसी घटना अगर कहीं हुई थी तो लखीमपुर में हुई थी। एक जीप सर किसानों को कुचल दिया, किसानों की जान गई, न केवल यहां पर जान गई हमारे किसानों की, बल्कि आपने दिल्ली में देखा होगा किसान आंदोलन करता रहा, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, और जो कुछ सरकार कर सकती थी एफआईआर दर्ज कराने से लेकर के उनके घरों पर छापा, और अगर निकलते थे तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि किसान हमारा पीछे नहीं हटा, अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए हैं। तीनों कानून वापस हुए हैं। और याद रखना साथियों, ये सही, हम बधाई देते हैं अपने किसानों को, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें यह भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली, इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट ना देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वोट के लिए इन्होंने फैसला लिया है। हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, चुपके से ये कोई भी कानून ले आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, हमें अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए, हमें कम से कम अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए, फसल की सही कीमत मिल जाए, उसके लिए और भविष्य में हम अपने परिवार के लोगों को क्या जमीन देकर के जाएंगे, उसके लिए भी ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है पीछे से कोई कानून ले आए। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और हम तो जानते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल एबीसीडी के, तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून, काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। इनके भाषण सुनिए आप, भाषण सुनते होंगे आप इनके भाषण सुनते होंगे आप। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो नेता हैं थोड़े बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं? इनसे ज्यादा झूठी पार्टी कोई अगर हो तो बता दो हमें। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये कह रहे थे कि किसानों के हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ पीलीभीत भाइयों, पीलीभीत के किसान भाइयों, ये तो मेहनत करने वालों का जिला है,
यहाँ खेती करने वाले लोग हैं, बताओ कौन सी फसल की आपको आय दोगुनी हो गई है? अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ हमारे किसान भाइयों। और धान में लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? धान जो खरीदना चाहिए था सरकार ने नहीं खरीदा, न केंद्र लगाए न बनाए, और लूट हो गई। और डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल कहाँ पहुंच गया सोचिए आप। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब और चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं याद है? और जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है, कहाँ चल पा रही बताओ। ये इन्होंने, मैं जानता हूँ जो इशारा आप कर रहे हो, क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत, केवल पैडल और मेहनत की जरूरत है। इस बार साइकिल की कोई रफ्तार नहीं पकड़ सकता। और मैं कह रहा हूँ आपसे, आप देख लेना, जिस समय पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे, जब पीलीभीत वाले वोट डाल देंगे तो देखना बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा। ये मैं जानता हूँ, साइकिल वाले बैठे हैं साहब। बताओ खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और न डीएपी मिली आपको? और अगर बोरी देखी होगी तो बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? हमारे किसानों को रात भर रखवाली करनी पड़ रही है खेतों की, तो घरों में गुजार रहे हैं, खेती की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ पीलीभीत के किसानों, रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही? अरे गौशाला जो बनाई थी उसका पूरा पैसा खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है वो जानते हो कौन सा है? बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री अपना प्रिय जानवर तक नहीं पकड़ पा रहे, वो मार मार टक्कर लोगों की जान ले रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर सांड के सींग से मरने से किसी की जान जाएगी या जानवर के टकराने से किसी की जान जाएगी तो समाजवादी सरकार बनने पर 5 लाख उस परिवार की मदद करने काम करेंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ में बहुत सारे उन्होंने लैपटॉप टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे हैं, बताओ आप में से किसी को मिला हो तो बता दो। किसी को नहीं मिला। और अभी तक तो हम ये जानते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, लेकिन अभी एक उन्होंने तस्वीर लगाई थी स्मार्टफोन से, ये खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। उस दिन पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता है। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है, बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और मुझे सुनने में आया था कि शिक्षा मित्र वालों की ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। बीएड टेट वालों की भी समस्या का समाधान अगर कोई करेगा तो हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि आपको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और इसीलिए आप आभार का भी तख्ती लेकर के आए हैं, इसलिए समाजवादियों को मत भूलना। ये 69,000 वाले आरक्षण घोटाले वाले जानते हैं
कि इनके साथ अन्याय हुआ है, ये लखनऊ जब जब गए हैं तो इनको अपमानित होना पड़ा है, इन्हें लाठी खानी पड़ी, इन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन ये लड़ते रहे। हम इनको 69,000 वाले लोगों को बता करके जा रहे हैं कि जो आरक्षण में इन्होंने धोखा दिया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो इनकी भी समस्या का समाधान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए, अपील करने आए हैं, मैं जानता हूं बहुत परेशान रहे हो आप, आपको बहुत लड़ना पड़ा, बहुत लड़ना पड़ा आपको, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। जो कुछ भी है, बीजेपी के सब नेता उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, कहीं से भी जहां भी खाली है इनके नेता, उत्तराखंड खाली हो गए वो सब आ गए, आपके हरियाणा वाले खाली हैं वो सब आ गए, यूपी मध्य प्रदेश वाले आ गए, और गुजरात वाले भेष बदल के घूम रहे हैं, बहुत सावधान रहना, वो भी आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो हवा देखी उन्होंने, यहां उत्तर प्रदेश में हवा किसकी चल रही है, वो अपने कपड़ों का रंग बदल करके चुपचाप भाग गए यहां से। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अभी 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक बहुत बड़ा उद्योगपति पैसा लेके भाग गया, भाग गया कि नहीं भाग गया। आप हम लोग अगर कहीं बैंकों से कुछ पैसा ले लेंगे तो बैंक हमारे पीछे पड़ जाती है, और अगर आपने जमीन या मकान कुछ रख दिया होगा बैंक को तो समझ लो आपके घर मकान बैंक ले लेती है, नीलामी करा देते हैं। और ये देखिए इतना बड़ा पैसा लेके भागा है, 28 बैंकों का 22,000 करोड़ से ज्यादा पैसा ले गया, और कहीं कोई पता नहीं है कहां गया है। बताओ ये जो उद्योगपति भागा है वो कहां का है? और आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ये पहली बार भागा है क्या? पहले भी बहुत सारे भाग गए थे, वो जो भागे वो बताओ कहां के थे? तो इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे यार? और ये धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर रहे हैं, इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ी बेच रहे हैं, आप पता कर लेना रेलवे स्टेशन की सब जमीनें बेच दे रहे हैं, ये बंदरगाह बेच रहे हैं, पानी का जहाज बेच रहे हैं। और जानते हो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि ना रहेगा बांस तो जब ये कंपनी ही बिक जाएंगी तो आरक्षण किसको देना है, इसलिए सब बेच रहे हैं। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग? इधर बताओ कितनी बेरोजगारी बढ़ गई, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कि लाखों लाख हमने नौजवानों को नौकरी दे दी है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं दी। कहीं नौजवानों नौकरी मिली हो तो बता दो, बहुत सारे नौजवान हैं जिनने मेहनत करके पढ़ाई पढ़ी है, अच्छी डिग्री हासिल कर ली, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर करके घर बैठे हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, और अगर रोजगार भी मिल जाए उसके लिए भी अवसर नहीं बना रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े लखनऊ में आयोजन किए थे जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, लेकिन उद्योगपति आए उत्तर प्रदेश में रहे एक दो दिन, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई कारखाना उद्योग नहीं लगाया है। अगर पीलीभीत में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बता दो हमें, किसानों को कोई सुविधा देने के लिए बड़ा काम किया हो तो बता दो, न कारखाने लगे न उद्योग लगे तो बताओ नौकरी और रोजगार कहां मिलेगी। इसलिए समाजवादियों ने कहा है
कि ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं समाजवादी सरकार आएगी तो नौजवानों के लिए फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनका भाग्य बनाने का काम करेंगे। और न केवल फौज में पुलिस में बल्कि 11 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में, 11 लाख पद हैं जो सरकारी खाली हैं, उन पदों को भी भर करके 11 लाख नौजवानों का भविष्य बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर आपने देखा होगा बिजली का बिल जब आता है तो करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिजली महंगी कर दी बाबा मुख्यमंत्री ने और बीजेपी के लोग ने, एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। ये बाबा मुख्यमंत्री और बिजली बनाने का एक कारखाना नहीं लगा पाए हैं, बीजेपी ने एक कारखाना बिजली का नहीं लगाया, न जाने कितनी बार जीत गए यहां से, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आप जानकारी कर लेना कोई बड़ा बिजली का कारखाना नहीं लगाया। आज जो बिजली मिल भी रही है, आज जो बिजली आज उपलब्ध है, वो भी समाजवादी सरकार की बनी हुई बिजली है, वही उपलब्ध हो रही है, इन्होंने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और सोचो बाबा जी लगाते भी कैसे, बाबा जी लगाते भी कैसे, जिन्होंने 5 साल बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाया। इधर जब से हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली के कारखाने का नाम ही बता दो कम से कम, कई महीने रटने के बाद भी वो नाम नहीं बता पा रहे हैं। समाजवादियों ने जो कारखाने लगाए, आपको हम बता दें पत्रकार साथी हो आप भी पूछ लेना, अगर आज आए हो आपके जिले में तो कहना कि कम से कम बिजली के कारखाने का नाम बता के चले जाओ, और कहां लगाया ये भी बता दो आप। समाजवादियों ने लगाए थे बिजली के कारखाने, जिन कारखानों को लगाया वो बड़े बड़े कारखाने थे, उनको उनके नाम है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ बाबा जी कह सकते हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, इसीलिए बिजली नहीं बनाई, केवल बिजली के बिल भेज रहे हैं। समाजवादियों ने तय किया है कि घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिजली का बिल 300 यूनिट के लिए नहीं देना पड़ेगा, और अपने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, कोई पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री कहा है, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और ट्रांसफार्मर फूक गया है। इसलिए आप सबसे बहुत लंबी भी बात की जा सकती थी, लेकिन मैं जानता हूं पीलीभीत के लोगों ने मन बना लिया है परपटी को जिताने के लिए। बताओ चारों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बरेली वाले जानते हैं कि कितनी सीटें जीत के आ रहे हो? बताओ पहली बार ऐसा चमत्कार हो रहा है, बरेली सब सीटें जीत रहे हो आप, रामपुर सब सीटें जीत रहे हो आप, और ये तीसरे चरण में वोट पड़ने जा रहा है, वो हमारा भी वोट पड़ेगा, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में तो हो गई सफाया इनका, चौथे में आप लोग कर दोगे? बताओ करोगे सफाया कि नहीं करोगे? और बीजेपी के लोग भी नहीं चाहते बीजेपी जीते, बताओ आप। कम से कम जो सच के साथ खड़े हैं वो समाजवादियों की मदद कर रहे हैं, बताओ मदद है कि नहीं है? इस बार जिताइए, और आरएलडी भी साथ है अब तो, इसलिए हम आपसे निवेदन करके जा रहे हैं कि यहां के किसान और सिख भाइयों ने बहुत मुकाबला किया बीजेपी का, बहुत मुकाबला किया, इतना मुकाबला कोई कर नहीं सकता था, इतना मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, यहां के लोगों ने मुकाबला किया, इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे, ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं इन्हें किसान का दुख नहीं समझ में आ रहा है, नौजवानों के सामने जो रोजगार और नौकरी का संकट है वो समझ में नहीं आ रहा है,
जो महंगाई बढ़ रही है वो दिखाई नहीं दे रही है, और जो गरीबों को हमारा इलाज और पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, और कोरोना के समय पर सब बर्बाद हो गई, पढ़ाई के नहीं बर्बाद हो गई बच्चों की, सब पढ़ाई बर्बाद कर दी, और इलाज भी हमारे लोग सरकारी नहीं करा पाए। ये जो एम्बुलेंस चलती थी, अभी याद दिला देना, जिस विधानसभा के मुझे याद दिला देना, आप बताइए एम्बुलेंस जो समाजवादियों ने चलाई थी वो भी हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने खराब कर दी, चल नहीं पा रही, गरीबों के इलाज के लिए गांव पहुंच जाती। हमने फैसला लिया है जहां हमारे गरीबों का यहीं इलाज हो जाए, अस्पताल के लिए पैसा और अच्छा बनाने का काम, और साथ ही साथ अगर एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ेगी तो एम्बुलेंस बढ़ा करके हम गरीबों की और गांव में रहने वालों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर जो थी पुलिस को व्यवस्था, यहां तो हमारे बहुत सारे साथी होंगे जानते होंगे, ये दुनिया में जिस तरीके से पुलिस चलती है, अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो पुलिस का काम होता था उस तरीके से मैंने बनाने का काम किया था। वहां हमने यहां के अधिकारी भेजे, सीख करके आए, और एक प्रोफेसर वेंकट को मैंने सरकार के साथ रखा, जिससे कि कम से कम पुलिस को अच्छे काम करने के लिए 100 नंबर गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, 100 नंबर की गाड़ी की व्यवस्था की। लेकिन जब से हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 से 112 किया है, हमारी पुलिस का कबाड़ा कर दिया, और इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई। इसलिए हम आपको कह करके जा रहे हैं, ये गन्ने का भुगतान को लेकर के जिस समय चुनाव चल रहा था पहले चरण में, हमने कहा कि हमें किसानों की मदद के लिए अगर बजट से अलग से पैसा रखना पड़ेगा तो अलग से पैसा रखेंगे, जिससे हमारे किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए कहीं आंदोलन नहीं करना पड़े, 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा भुगतान उनका कराने का काम करेंगे। हमारे किसानों को उनकी फसल का MSP मिल जाए, उसके लिए सरकार चाहे हमें केंद्र बनाने पड़े खरीद के, चाहे व्यवस्था में बदलाव लाना पड़े, समाजवादी लोग बदलाव ला करके हम अपने किसानों को हर फसल की MSP दिलाने का काम समाजवादी सरकार में करेंगे। मुझे याद है जब मैं इस स्कूल में आया था, ये कभी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था, जो कुछ ठीक कर पाए वो आखिरी में ठीक कर पाए। अगर इस स्कूल को और बड़ा बनाने के लिए और सुविधाएं देने के लिए और नए जमाने की पढ़ाई के हिसाब से कोर्स चलाने के लिए अगर हमें इसमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसके साथ साथ और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए भी समाजवादी सरकार में मदद करने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी जानते होंगे पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे, समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों की बहाल कर करके उनको भी सुविधा देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक जन समर्थन के लिए, और इस भरोसे के साथ कि आप लोग समाजवादियों की सरकार बनवा दोगे। बताओ सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बताइए सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? BJP के धोखे में तो नहीं आ जाएगा कोई? BJP साजिश भी कर सकती है, षड्यंत्र भी कर सकती है, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? महंगाई के खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? ये जो झगड़ा लगाते हैं इसके खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? और मतदान कर देना, गंगा जमुनी तहजीब और जो हमारी मिली जुली संस्कृति है उसको बचाने के लिए भी एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल कर देना आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा साथी पुल का कह रहा था, तो हमारे जो साथी कह रहे हैं
और इन्हें जिताइए, ये लोग समय समय पर हमें बताते रहेंगे, चाहे सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें बड़ा काम करना पड़ेगा तो करेंगे। इसके साथ साथ अपने बीएड टेट वाले लोग हैं, तुम्हारी मदद होगी, 69,000 मदद होगी, शिक्षा मित्रों की मदद होगी, रोजगार के लिए निश्चित हम। और वहीं अगर हमें रोजगार की संभावनाओं को ढूंढते हुए कहीं भी किसी तरह का अगर हमें मदद करनी पड़ेगी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी कुछ बढ़ावा देना पड़ेगा तो बढ़ावा देंगे, और किसानों की सुविधाओं को लेकर के अगर हमें मंडी का सब कुछ ठीक करना पड़ेगा जिससे कि हमारे किसानों को एमएसपी मिल जाए, वो भी इंतजाम करेंगे। वहीं हमारे बंगाली समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कई सरकारें आई चली गई, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस बार सरकार बनेगी तो बंगाली समाज के लोगों की हम पूरी ईमानदारी से मदद कर करके उन्हीं सब समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए वहीं हम आपसे कहेंगे कि 2 मिनट के लिए हमारे जो नेता हम लोगों ने खोए हैं, पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण जी, हाजी साहब, अहमद हसन जी और हमारे प्रीतम राम जी और तमाम लोग जो हमने नेता खोए हैं पार्टी के, और कोरोना के समय जिन लोगों की जान गई या किसान आंदोलन में जो शहीद हुए, उनके लिए 2 मिनट का मौन रख करके हम उनको याद करेंगे।